Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. वैसे अभी मैंने जो कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं अभी रिसेंटली बेसिस पे वो सब मैकेनिक्स से रिलेटेड है. आज भी हम मैकेनिक्स का ये एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़. क्या होती हैं, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, आई मीन इनके कितने टाइप्स होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये सब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी. सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना भूलना ही नहीं है. और वीडियो को लाइक करना है, चाहे तो लाइक करिए चाहे डिसलाइक, लेकिन एक रिकॉर्ड क्रिएट करिए, ये मैं चाहती हूँ. ओके, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा वीडियो कैसी लगती है और पहले देखना उसके बाद आप लाइक करना, अदरवाइज नहीं. नाउ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. अभी ना फिजिकल क्वांटिटीज़ वैसे मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ आप सबको, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करती हूँ. फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर, मतलब कि वो क्वांटिटीज़ जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसको मापा जा सकता है, जिसे हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं. अब आपको ये चीज़ तो पता होगी कि हर चीज़ को मापा नहीं जा सकता, हर चीज़ को मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, लाइक कुछ इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गई हैं, लव, हेट्रेड और जेलेसी, ये सब को आप मेजर नहीं कर सकते. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिक्स की टर्म्स में हम पढ़ते हैं और ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं. इतना समझ में आया आपको. उसके अलावा फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सारे फिजिकल लॉज जो होते हैं ना वो एप्लीकेबल होते हैं. देखिए यहाँ पे, इन विच ऑल फिजिकल लॉज कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब कि वो क्वांटिटीज़ जिनके अंदर सारे फिजिकल लॉज को एक्सप्रेस किया जा सकता है और उनको मेजर किया जा सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से, जो भी मतलब हर तरीके से उनकी मेजरमेंट होना कंपल्सरी है, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, जैसे वेलोसिटी हो गया, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, एफ फोर्स. मतलब ये मैंने सिंबल इसलिए लिख दिया क्योंकि जल्दी हो गया था काम ये थोड़ा जल्दी लिखा जाता है ना, तो इसलिए वी वेलोसिटी हो गया, ए एक्सेलरेशन हो गया एंड एफ हो गया फोर्स और मोमेंटम. आपको ये कुछ मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल दिए, वैसे तो बहुत सारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी ही लिमिटेड है, और भी ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. और इसके अलावा मैंने ना वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होते हैं ये सब मैंने ना ऑलरेडी समझा रखा है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे अगर नहीं मिले तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा. एंड फिर उसके बाद में देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स आपको पता चल गए, कुछ एग्जाम्पल पता चल गए, डेफिनेशन समझ में आ गई. इसके बाद में आता है फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन, मतलब कि उसे कितने टाइप्स में बांटा गया है. दो मेजर टाइप्स होते हैं, एक होता है स्केलर एंड सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी. सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं. इट मीन्स कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. ओके, मतलब इसमें जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एफ और एक्सेट्रा. ओके, एफ मीन्स फोर्स हो गया. मतलब ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और या फिर फोर्स. इन सबको आप क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं, लेकिन इनमें मेजरमेंट के टाइम पे आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है. मीन्स कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, वेलोसिटी कहाँ पे है, मतलब इसमें भी डायरेक्शन क्या करती है, मैटर करती है. जिसमें डायरेक्शन मैटर करती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटीज़, जिसमें डायरेक्शन की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती या रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो होती है स्केलर क्वांटिटीज़. नाउ स्केलर क्वांटिटीज़ में देखिए, हैव मैग्नीट्यूड, मतलब कि मैग्नीट्यूड तो होगा स्केलर क्वांटिटीज़ में, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब ये कंपल्सरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एनर्जी, वर्क, एंगल और वॉल्यूम एक्सेट्रा. कोई भी एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, किसी भी टाइप की आप एनर्जी की बात इसमें कर सकते हैं. वर्क हो गया, टाइम और एंगल और वॉल्यूम एक्सेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, स्केलर क्वांटिटी के. अभी मैंने आपको क्या समझाया, फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स की भौतिक राशि क्या होती हैं, दो टाइप्स हैं, सदिश और अदिश राशि, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. विद एग्जांपल इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. क्या वैसे तो लेना चाहिए आपको, क्योंकि नॉलेज में है, आपके काम आएगा ये। और इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है गाइस, तो वो कैसे आता है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर कोई भी एक रैंडम क्वांटिटी दे दी जाएगी और उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्वांटिटी आपको गिवन है क्या वो स्केलर है, क्या वो वेक्टर है, या फिर आपसे स्केलर और वेक्टर के डेफिनेशन में पूछा जा सकता है कि किस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, किस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और किस में डायरेक्शन नहीं होती है, या किस में डायरेक्शन होती है। मतलब इस टाइप से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी क्वांटिटीज आपको दे दी जाएंगी और उसमें से बोला जाएगा कि इसमें से पहचानो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, या इनमें से पहचाननी है आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। मीन्स की फिजिकल क्वांटिटी का आइडेंटिफिकेशन। ओके, नाउ ये टॉपिक खत्म, फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर। इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, एज ऑलवेज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।